पिता का दिन है और पिता के दिन के दिन आज आप लोग हम लोग सब स्टेटस डाल रहे हैं कि आज फादर्स डे और इस गांव में बहुत बड़ा ही दिन है क्योंकि फादर्स डे पे आज हमारा जो पीछे आप लोग देखेंगे भी हमारा छात्र SSB से ट्रेनिंग कंप्लीट करके आज अपने माता पिता के सामने जो एक गिफ्ट होता है एक स्टूडेंट के अंदर एक बच्चे के अंदर यही ललक होनी चाहिए कि मतलब फादर्स डे का गिफ्ट क्या होना चाहिए। तो एक बच्चे को एक नौकरी फादर्स डे के लिए कोई सिंपल कोई गिफ्ट नहीं हो सकती है तो उसके लिए आप हमेशा देखते हैं। चलो हम देखेंगे इस पूरा वीडियो को। भाई साहब यहीं खड़े रहेंगे एक मिनट। और आज देखो हम लोग इधर पीछे सभी लोग मुझे सुने जितने भी बच्चे हैं सभी लोग के हम लोग यहाँ पे बहुत देर से ऐसी चिलचिलाती धूप में रैली निकाल कर आए लेकिन इस रैली का उद्देश्य निकलना चाहिए तो हम साकार हो पाएंगे। नहीं तो ऐसी रैलियां तो आप मोबाइल पे भी देख सकते हो इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। ये रैली इसी गांव में क्यों आई है ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है। पहली बात आपको बता देता हूँ कम से कम 10-10 लाख फार्म डलते हैं तब जाके छोटे छोटे गाँव से बच्चे निकलते हैं और ये रैली निकालने का और ये सब ताम झाम जमाने का इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है जो छोटे छोटे बच्चे हैं चाहे हम चाहते हैं कि आज बच्चा आया है लेकिन हम चाहते हैं कि अगली बार कोई बच्ची भी आए ऐसे गांव में कि वर्दी पहन के आए और हम उसके लिए रैली लेकर भी आए।
और इसी से एक भावना लेके चलो कि आज हमारे गांव में हमारे कालूराम आठ साहब यहां पर रैली के साथ में आए, धूमधाम से आज सबने देखा कार के ऊपर बैठ गया है। लेकिन एक ये भी तो फील करो कि आज मैं 10वीं क्लास में हूं, 12वीं क्लास में हूं, क्यों ना मैं यहां से जाके गुना या ऑनलाइन क्लास कहीं से भी पढ़ूं और पढ़ने के साथ में ऐसी नौकरी लूं यार, कोई भी कलेक्टर बन जाता है, मैं लगातार देखता हूँ कोई नायब तहसीलदार बन जाता है, पेपर में फोटो आता है, एक मिठाई खाता है। लेकिन एक फौजी जब बनता है ना, जब ऐसा गांव में प्यार मोहब्बत एक साथ दिखने को मिलती है, अगर यही जुलूस अगर आप लोग देखेंगे ना कहीं दूसरे गांव में चुनाव का होता तो थोड़ा सा मन मुटाव होता, लेकिन आज हमने देखी गाँव की पावर, गाँव के लोगों का प्रेम प्यार देखा यहाँ पे आके कि वाकई में यार इस दिन के लिए मुझे भी मतलब गर्व होता है कि आज पापा मम्मी भी खड़े हैं, आज पूरा गाँव पूछ रहा होगा। जोरदार तालियां हो जाए। आपके अंदर कुछ है करने के प्रति तो पढ़ाई करो और उसके लिए ऐसी वर्दी लेके आओ और यहीं से हमारी शुरुआत होती है। आज हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे ये सीखें कि हमारे भैया आज देखो ऐसे बिल्कुल रैली से आए थे। इस रैली का उद्देश्य है किसी को जलाना नहीं है, इस रैली का उद्देश्य यहाँ इकट्ठा करना उद्देश्य है कि हमारे मन मुटाव हो। हम हो सकता है रक्षाबंधन पे ना मिले, हम बुजुर्गों पे ना आते हो घर में बैठो, लेकिन आज जो देश प्रेम हम लोगों ने देखा इस गांव वाकई में, एक तरफा था, हम बहुत जगह रैली करने के लिए जाते हैं, अलग अलग जगह हम जाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे लगातार निकलते हैं और अभी तक गौरव फिजिकल अकेडमी गुना से 1380 बच्चे निकल चुके हैं। एक बार और जोरदार तेरासी अस्सी बच्चों के बाद मैं चाहता हूँ आपका भी नाम आए और आपको भी ये मतलब सौभाग्य मिले कि आप अपने पापा को छाती से लगा के रो सको और माँ आपकी इंतजार कर रही हो, वो प्यार चाहिए अपन को, ये होता है एक हकीकत प्यार। और आज फादर्स डे है, सब लोग स्टेटस डाल रहे हैं कि फादर्स डे के लिए, लेकिन हम लोगों को ये जब सीन देखने को मिलेगा ना कि जब वो अपने पापा को टोपी पहनाए और फादर्स डे का इतना बड़ा ताज लेके आया इंडियन आर्मी से, तो एक बार जोरदार बंदे 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 जय जय जय। सर ये बताइए जैसे बच्चे 10th पास आउट हो जाते हैं तो उनको मतलब इंडियन आर्मी के लिए क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए सर। देखिए उनके लिए बहुत सरल काम है, पहले अग्निवीर में दौड़ होती थी, बच्चा 10 साल तक दौड़ता था, 2 साल तक दौड़ता था, नहीं निकल पाता था, लोग बात गाँव के कहते थे कि चप्पल चटका था नहीं निकलता। आजकल क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज उपलब्ध है, आप गाँव में रहकर भी ऑनलाइन कोर्सेस लीजिए, 500 रुपए में कोर्स मिल जाते हैं, 4-4 घंटे पढ़ाई कीजिए, जैसे पेपर निकला आप तैयारी करने आइए या जिस संस्था पे जा सकते हैं दूध पीजिए, 2 गिलास 1 गिलास दूध पीजिए, गांव के लोगों देसी घी खाइए और केले खाइए, ये एक डाइट होती है एक बालक के लिए कि जो आगे चल के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। अगर इसमें भी नहीं निकल पाता है तो धीरे धीरे वो और पदों के लिए भी तैयारी करेगा, जब छोटे से स्तर से चालू होगी तो बहुत बड़े पे जरूर जाएगा। जैसे कि सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स के पास मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था है? उनके लिए हमारी ये व्यवस्था है कि जो बच्चे अगर गरीब हैं तो वो अगर फिजिकल करेंगे, गौरव फिजिकल अकेडमी गुना आते हैं तो हम उनको निःशुल्क भी तैयारी कराते हैं। और एक हमारा एक मोटिव भी है, जो भी बच्चा आज वर्दी में आया है तो हम उनको कहते भी हैं कि अगर आपके गांव में 10 बच्चे गरीब हों जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, हम बच्चों को वही शिक्षा देकर यहाँ से अपनी अकेडमी से पहुँचाते हैं कि अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है कि जिसके पास पैसे नहीं 400-600 रुपए बाहर रहकर पढ़ने के, तो हमारे ऐसे छात्रों को हमने तैयार किया है, वो उनका खर्चा जरूर उठाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि गाँव के जो सरपंच होते हैं वो भी वोट लेने के लिए सब जगह आते हैं, लेकिन उनको भी इस जगह पे यहाँ धर्म पुण्य होता है सबसे बड़ा कि अगर उनका बच्चा आएगा तो उनके नाम पे आएगा कि उन्होंने उस समय मदद की थी, तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान होगा। थैंक यू सो मच गौरव। खड़े हो जाओ आपका बच्चा भी लेके आऊंगी आने वाला है।